हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सोप एंड डिटर्जेंट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें कि आप इन दोनों को डिफाइन करो। देखिए, सोप का डेफिनेशन क्या होगा, सिंपली आप इसको लर्न कर लेना कि सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। और डिटर्जेंट का डेफिनेशन क्या होता है, डिटर्जेंट इज अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, सोप जो है इसका जब फॉर्मूला लैब के अंदर डिराइव करा गया तो इसके बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं। जैसे सोप का जो है एक दो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जो है वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। देखिए ऐसा होता है, इसका केमिकल नाम क्या है, तो सोडियम स्टीयरेट। आई बात समझ में, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट सोप वाले सेक्शन को समझाने के लिए मुझे इस फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ेगा, इस कारण से मैं ले रहा हूँ। देखिए, इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, C17H35COO-Na+। इसका नाम क्या है, तो सोडियम पैल्मिटेट। अब देखिए, ध्यान से इस फॉर्मूले को आप देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर दो पार्ट है, पहला ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। तो सोप को जो है अगर आप केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से डिवाइड करें तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, तो पहला लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड दूसरा जो पार्ट है ये वाला पार्ट, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको हम कहते हैं शॉर्ट आयोनिक पार्ट। दोनों जो है, दोनों का नेचर एकदम डिफरेंट होता है। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप जो है इसका फीचर डिफरेंट है, शॉर्ट आयोनिक पार्ट ऑफ द सोप जो है इसका फीचर डिफरेंट है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, सॉल्यूबल इन ऑयल, बट दिस पार्ट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। सिंस ये वाला जो पार्ट है ये इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और जो शॉर्ट आयोनिक पार्ट है, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं या इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो ये जो पार्ट है ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। सिंस शॉर्ट आयोनिक पार्ट ऑफ द सोप इज सॉल्यूबल इन वाटर, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक इन नेचर। इस कारण से इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अब देखिए, ये सारी जो चीजें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन सारे पार्ट के बारे में आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, मिसल्स, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। जब भी आप सोप सॉल्यूशन के अंदर गंदे कपड़े को डालते हैं, तो होता क्या है, उसके अंदर जो ऑयली पार्ट है, ऑयल ड्रॉपलेट जो होते हैं, यहाँ पर ये वाला जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है
वो यहां पर आकर चिपक जाता है इस वाले पार्ट के पास, ऑयल के पास, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा, दिस पार्ट इज सॉल्युबल इन ऑयल। इस कारण से जब भी सोप सॉल्यूशन के अंदर आप गंदे कपड़े को डालेंगे तो जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो आकर ऑयल के पास चिपक जाता है, और जो शॉर्ट आयोनिक पार्ट है ये वाला पार्ट आउटसाइड फेस करता है यहाँ पर। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है, देखिए ऐसा करके जो मैं अभी बना रहा हूँ, ऐसा आई बात समझ में। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, मिसल्स। क्या कहते हैं, मिसल्स। तो आपका बोर्ड के अंदर ये एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मिसल इज फॉर्म्ड। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन द डर्टी क्लोथ इज पुट इनसाइड द सोप सॉल्यूशन द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैचेज इटसेल्फ टू द ऑयल ड्रॉपलेट वेयर द शॉर्ट आयनिक पार्ट फेसेस आउटसाइड एंड दिस फॉर्मर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड मिसल्स, विच इज कॉल्ड मिसल्स। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑयल के पास जाकर चिपक जाता है यहाँ पर इस वाले पार्ट के पास, और जो शॉर्ट आयोनिक पार्ट है वो आउटसाइड फेस करता है और इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम क्या कहते हैं, मिसल्स। और जब ऑयली पार्ट के पास मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर जब उसको एजिटेट करते हैं या किस तरह से, या ब्रश वगैरह के थ्रू या फिर वॉशिंग जो मशीन है उसके थ्रू जब उसको एजिटेट करा जाता है तो जितनी भी गंदगी है वो मिसल्स के फॉर्म में कपड़े से क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, और जो कपड़ा है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इस तरह से मिसल्स का जो फॉर्मेशन है वो डर्ट पार्टिकल्स को कपड़े से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उम्मीद है जो मिसल्स का फॉर्मेशन समझाने का मैंने इस वीडियो में ट्राई करा है आपको मिसल्स का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, और मिसल्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आप आंसर पूरी तरह से अच्छी तरह से फॉर्म आप कर सकते हो। उम्मीद है इस वीडियो में मैंने जो ट्राई करा है मिसल्स का फॉर्मेशन समझाने का तो वो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने समझाया है अपनी लैंग्वेज में आप इसका आंसर फॉर्म करके लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोज़ का फ़ायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।